कार्स में हेडलाइट्स होती हैं, बाइक्स में हेडलाइट्स होती हैं, यहां तक कि ट्रेन्स और एरोप्लेन्स में भी हेडलाइट्स होती हैं। लेकिन ये तो पानी वाला जहाज होता है, इसमें हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? कभी दिमाग में क्लिक किया ऐसा क्यों, हेडलाइट्स क्यों नहीं होती? देखो, इसके पीछे कोई पर्टिकुलर एक रीजन नहीं है कि शिप्स में हेडलाइट्स क्यों नहीं होती, क्योंकि ये समंदर में चलने वाला जहाज रोड और आसमान से काफी ज्यादा अलग होता है। क्योंकि शिप को जितना सामने या आसपास देखने की जरूरत नहीं होती, उतना दूर देखने की जरूरत होती है, जो कि किसी भी हेडलाइट से मुमकिन नहीं है। इट मींस एक शिप को लॉन्ग डिस्टेंस व्यू चाहिए होता है, काफी दूर, ना कि कार्स और बाइक्स की तरह 10 कदम के व्यू से काम चल जाएगा, क्योंकि शिप को टर्न होने में एक पीरियड ऑफ टाइम लगता है, ना कि कार्स और बाइक्स की तरह 10 कदम आगे ऑब्जेक्ट देखा और मुड़ा दी, ऐसा नहीं होता। एक जहाज को टर्न होने में कितना टाइम लगता है, इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हो कि जितनी देर में एक जहाज एल टर्न लेता है, यानी 90 डिग्री का टर्न लेता है, उतनी देर में एक बुगाटी कार 30 से 35 किलोमीटर चल जाती है। और हेडलाइट का साइज तो आप जानते ही हो, स्टार्टिंग पॉइंट तो काफी स्ट्रॉन्ग रहेगा, लेकिन जैसे जैसे दूरी बढ़ती जाएगी, वैसे ही 10 कदम 20 कदम वैसे ही लाइट की इंटेंसिटी कम होती जाती है और दिखना बंद हो जाता है। और आई थिंक मुझे ये बात तो आपको बताने की जरूरत है नहीं, आई थिंक आपको अच्छे से पता है, हूबहू मेरे से ज्यादा ही पता है कि समंदर कितना बड़ा है। 2 साल का बच्चा भी जानता है कि समंदर समंदर जैसा है। तो इतने बड़े समंदर में ये 10 कदम की लाइट घंटा भी कुछ नहीं करेगी, इससे कुछ भी नहीं दिखने वाला, 4 कदम भी, तो ये बिल्कुल यूजलेस है। अगर दुनिया की सबसे पावरफुल लाइट को भी लाके लगा दिया जाए, वो भी इतनी लाइट प्रोड्यूस नहीं कर पाएगी कि सामने गुजरने वाला शिप पूरा देखा जा सके। यानी शिप की लेंथ ही इतनी ज्यादा होती है कि वो चिंटू सी लाइट क्या ही करेगी, शिप का अच्छे से एक पार्ट तक नहीं दिखेगा। इसलिए शिप्स में हेडलाइट लगाने का कोई मतलब नहीं बनता, बिल्कुल इम्प्रैक्टिकल। लेट्स सपोज मान लेते हैं अगर किसी भी तरह एक स्ट्रॉन्ग हाई बीम वाली लाइट बना भी ली जाए, जिससे 500 मीटर या 1 किलोमीटर देखा जा सके, लेकिन फिर भी वो यूजलेस है, क्योंकि 2 बड़े शिप्स जो आमने सामने से आ रहे हैं, उनको भिड़ने से रोकने के लिए कम से कम उन दोनों शिप्स को 4 से 5 किलोमीटर पहले ही पता होना चाहिए कि मेरे सामने से कोई शिप आ रही है, तब कहीं जाके वो एक सुटेबल टर्न ले पाएंगे या कंट्रोल कर पाएंगे। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, इतनी लंबी डिस्टेंस में 4 से 5 किलोमीटर लाइट का क्या ही यूज है, वो फालतू में जहाज की इलेक्ट्रिसिटी और वेस्ट करेंगे। लेकिन अब यहाँ एक क्वेश्चन आता है दिमाग में कि इतनी डार्क नाइट्स बिना हेडलाइट्स के ये शिप चलते कैसे हैं रात के दौरान, और समंदर की नाइट तो वैसे भी बहुत काली होती है, इतनी काली डरावनी रातों में ये सफर कैसे करते हैं बिना हेडलाइट्स के? तो इस क्वेश्चन का आंसर एक नहीं बल्कि 2 है। और अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है, थोड़ा सा भी, कि शिप्स बिना हेडलाइट्स के रात में सफर कैसे करते हैं, क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं, अगर थोड़ा सा भी आइडिया है तो प्लीज आपका स्वागत है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, आप सजेस्ट कर सकते हो। इट डजंट मैटर वो सही है गलत है, आप कम से कम लिख तो रहे हो। तो चलिए अब देख लेते हैं कि शिप्स को रात में बिना हेडलाइट्स के कैसे चलाया जाता है, यानी क्या स्ट्रेटेजी यूज करते हैं। प्रैक्टिकली देखा जाए तो ये लोग 2 चीजों का इस्तेमाल करते हैं, पहला नेविगेशन लाइट और दूसरा सेंसर्स, जिनको अभी हम 1 by 1 देख लेंगे कि किसका क्या कैसे कहां यूज होता है। बात करें अगर नेविगेशन लाइट की, तो मुझे पता है अब आपके अंदर से आ रहा होगा ये कौन सा नया बवाल है, नेविगेशन लाइट, नेविगेशन, बता रहा हूं भाई, बता रहा हूं आराम से, धक्का मुक्की नहीं। देखो इसका सिर्फ नाम ही नया है, कुछ नया नहीं है। अगर थ्योरेटिकली बात करें तो ये छोटी छोटी कलर्ड हाई इंटेंसिटी वाली लाइट्स होती हैं। अब ये हो गया सीबीएसई बोर्ड वालों के लिए, आप समझो मेरी तरीके से, जैसे मैं समझता हूं अपने देश के तरीके से मोटा मोटा। कभी रोड पे चलते हुए ट्रैफिक लाइट्स पे ध्यान गया है, जो ऐसे पोल पे लगी रहती हैं? सेम वही चीज है, छोटी है, कलर्ड है और हाई इंटेंसिटी वाली है। हाई इंटेंसिटी इन द सेंस ऐसे कलर जिन कलर्स की इंटेंसिटी बहुत ज्यादा होती है, यानी जो कलर हमें काफी दूर से दिख जाए, जैसे कि रेड हो गया, येलो हो गया, ग्रीन हो गया। इसीलिए मोस्टली ट्रैफिक लाइट्स या इंडिकेटिंग लाइट्स इन्हीं कलर की बनाई जाती हैं। फिर चाहे वो रोड की ट्रैफिक लाइट हो, रेलवे स्टेशन की स्टॉप लाइट हो, एरोप्लेन्स की साइड लाइट हो, या फिर व्हीकल्स के इंडिकेटर हो, सारी लाइट्स इन्हीं हाई इंटेंसिटी वाले कलर से ही बनाई जाती हैं। क्योंकि इसके पीछे का रीजन क्या है कि ये कलर्स काफी दूर से दिख जाते हैं। कभी ऐसा हुआ है कि आपने ब्राउन या कोई दूसरा कलर देखा हो जिसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो? 4 कदम दूर तो छोड़ो, वो 4 कदम बाद ही दिखना बंद हो जाएगी। अगर अभी भी कंफ्यूजन है कि नेविगेशन लाइट क्या होती है, तो मेरे पास एक सिंपल तरीका है जिससे आप इजिली डिफ्रेंशिएट कर सकते हो कि कौन सी नेविगेशन लाइट होती है और कौन सी नॉर्मल लाइट्स होती है। देखो नॉर्मल लाइट को हम यूज करते हैं देखने के लिए, लेकिन यही नेविगेशन लाइट को हम यूज करते हैं दिखने के लिए, यानी उससे कुछ दिखे या ना दिखे लेकिन वो दिखनी चाहिए, जस्ट अपोजिट, एक को देखने के लिए और एक को दिखने के लिए। क्योंकि नॉर्मल लाइट का बेस बड़ा होता है और इनकी बीम ऐसे फैलती हुई जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे, लेकिन यही नेविगेशन लाइट की बीम पतली होती है, फैलती नहीं है, वो बिल्कुल कॉन्ट्रास्ट ऐसे सीधी जाती है, रेडिएशन छोड़ती है जो कि दूर से दिखे। क्योंकि इन लाइट्स को ऐसे डिजाइन किया जाता है जिससे ये दूर से दिखे, इनकी इंटेंसिटी कम ना हो। इन्हीं नेविगेशन लाइट्स को इस्तेमाल किया जाता है शिप्स में रात के दौरान अपने अस्तित्व को बनाए रखने के लिए कि मैं इधर से आ रहा हूं या आप उधर से आ रहे हो। वरना अगर ये लाइट्स ना हो तो आए दिन खबर मिलती रहे कि इंडियन ओशन में आज 2 दिग्गज जहाज टकराए, एंड मीडिया भी लाइक आज इंडियन ओशन में 2 दिग्गज जहाज टकराए, मेरी टीम पता करने में लगी है कि वो चलाने वाले जहाज चलाने वाले हिंदू थे या मुस्लिम थे,
अब इसमें भाई चलाने वाले की क्या गलती है, वो नेविगेशन लाइट्स ही नहीं थी जहाज में। और अगर जहाज इतने पास आ गई कि उन जहाज के पायलट नॉर्मल आंखों से देख पाए कि मेरे सामने जहाज है, फिर इतना टाइम कहां कि वो जहाज मुड़ जाए। फिर तो भाई आड़ दे और जान दे होगा, देखा जाएगा बाद में। यानी उनको टकराने से कोई नहीं रोक सकता। एक सुटेबल डिस्टेंस के अंदर आने से पहले अगर वो ना मुड़ी तो फिर टकराना तय है। और क्योंकि शिप्स की साइज ही इतनी ज्यादा होती है, बड़े शिप्स बहुत देर में मुड़ पाते हैं, बहुत टाइम लेते हैं मुड़ने में। और अभी मैंने कुछ हिंदू मुस्लिम बोला था तो प्लीज उसको दिल पे मत लेना, क्योंकि वो किसी धर्म के लिए नहीं था, ना किसी इंसान के लिए था, वो मीडिया के लिए था मजाक में। क्योंकि आप तो जानते हैं मीडिया क्या दिखाती है, हिंदू मुस्लिम जो दिखाना होता है वो दिखाती नहीं है, और जो नहीं दिखाना होता है उसे ऐसे दिखाती है। बट आपको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे वही दिखाऊंगा, ऑथेंटिक जेन्युइन और सही कंटेंट आपके लिए लाया जाए। मैं वही कोशिश करता हूँ, क्योंकि जो सही है वो सही है और जो गलत है वो गलत है। फिर चाहे रिजल्ट जो भी हो, मैं दिखाऊंगा वही जो दिखाना चाहिए। बस आपको उस कंटेंट को देखने के लिए करना क्या है, हमसे जुड़े रहना है, और उसके लिए क्या करना है वो नीचे लाल वाला बटन दबा लीजिए। अब चलिए पॉइंट पे वापस आते हैं और इन नेविगेशन लाइट्स के अलाइनमेंट को देख लेते हैं कि शिप में कहां पे और कैसे लगाई जाती है और किस कलर का क्या काम होता है। देखो स्क्रीन पे एक इमेज दिख रही है, इसको देखते जाओ और मैं जो बोल रहा हूं उसको सुनते जाओ। पहला, फर्स्ट, शिप के मिडिल में एक पोल पे व्हाइट लाइट लगी होती है। दूसरा, दो लाइट, एक ग्रीन और एक रेड, शिप के साइड से लगी होती है, लेफ्ट पे रेड और राइट पे ग्रीन। और इनके अलावा शिप के पीछे एंड में एक व्हाइट लाइट और लगी होती है। अब इन लाइट्स का काम क्या है ये समझो। एक्चुअल में ये लाइट्स रात में शिप की डायरेक्शन बताती हैं कि शिप किधर जा रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, मेरे से दूर जा रहा है, इधर जा रहा है या इधर जा रहा है। वो कैसे, देखो बड़ा ही सिंपल है। इमेज में सेकंड केस देखो, अगर आपको सामने पे ऐसे तीन लाइट्स दिखे ट्रेंगल में, एक दो तीन, ऊपर में व्हाइट, बीच में और साइड से ग्रीन और रेड, तो समझ लेना कि शिप सीधा आपकी तरफ आ रहा है, यानी टूवर्ड्स यू। और अब इमेज में फोर्थ केस देखो, अगर आपको वॉटर में सिर्फ एक व्हाइट लाइट दिखे, इसका मतलब है कि वो शिप आपसे दूर जा रहा है, यानी अवे फ्रॉम यू। एंड थर्ड केस, इमेज देखते जाओ, अगर आपको सिर्फ दो लाइट दिखे, ऊपर व्हाइट और नीचे ग्रीन, इट मींस जहाज बाई तरफ जा रहा है, ऐसे लेफ्ट हैंड साइड। और आखिरी, अगर आपको सिर्फ दो लाइट दिखे, ऊपर व्हाइट और नीचे रेड, इट मींस जहाज दाई तरफ जा रहा है, ऐसे राइट हैंड साइड। आई होप क्लियर हो गया होगा, बहुत ही सिंपल तरीके से बताया है। चलो अब क्या करते हैं, वीडियो एंड, नहीं अभी नहीं, शायद आपको याद हो कि बीच में मैंने एक पॉइंट बताया था कि शिप्स दो स्ट्रेटजी यूज करते हैं, एक तो ये नेविगेशन लाइट और दूसरा क्या था, सेंसर्स। यानी इन केस अगर ये नेविगेशन लाइट्स काम नहीं करती, यानी नहीं दिखती हैं, कुछ भी कारण हो सकता है, सामने पहाड़ आ गया या काफी ज्यादा कोहरा है, तो इन नेविगेशन लाइट्स की जगह सेंसर्स का इस्तेमाल किया जाता है। यानी सिर्फ उस टाइम पे, हालांकि इस्तेमाल तो हमेशा ही करते हैं सेंसर्स का, लेकिन उस पर्टिकुलर टाइम पे सिर्फ सेंसर्स ही अंधे की लाठी होते हैं, यानी पूरा जहाज उन सेंसर्स के भरोसे ही चल रहा होता है। मैं ये सेंसर बोल रहा हूं, लेकिन मुझे पता है मेरी कुछ ऑडियंस ऐसी है, सभी नहीं मतलब कुछ 5-10% जिनको ये सेंसर समझने में भी दिक्कत आ रही होगी, मुझे पता है। दे आर लाइक ये क्या बोल रहा है सेंसर, क्योंकि मैं उन्हें पर्सनली जानता हूं। तो भाई अभी उसके लिए माफ कर दो, मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा कि ये क्या होते हैं और कैसे काम करते हैं, लेकिन अभी आप बस इतना जान लो कि सेंसर्स एक तरीके की मशीन्स ही होती हैं जिनको आप यूज करते हो किसी ऑब्जेक्ट की लोकेशन फाइंड आउट करने के लिए। और अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग सेंसर्स होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक ही सेंसर से सब कुछ खोज रहे हो, उसी से जहाज की लोकेशन पता कर रहे हो और उसी से अपनी भैंस की लोकेशन पता कर रहे हो, ऐसा नहीं है। कहने का मतलब हर एक ऑब्जेक्ट के लिए अलग सेंसर होता है। आई होप समझ में आ गया होगा। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो हाँ, मेट्रो सिटीज में अगर आपने देखा हो किसी बड़े मॉल में एंट्री करते वक्त या मेट्रो स्टेशन पे एंट्री करते वक्त एक सिक्योरिटी गार्ड आपको चेक कर रहा होता है, ऐसे हाथ में एक मशीन पकड़ के ऐसे आपके बॉडी के ऊपर ऐसे घुमा रहा होता है, वो मेटल सेंसर होता है, यानी उससे मेटल डिटेक्ट किया जाता है। और दूसरे एग्जाम्पल की बात करें तो आपने मूवीज में देखा होगा जो बॉम्ब डिफ्यूज करने वाले होते हैं, उनके हाथ में एक ऐसा बाइफर सा रहता है, ऐसा लंबा सा लोहे का, वो भी सेंसर होता है, वो बॉम्ब डिटेक्टर होता है, उसको बॉम्ब डिटेक्टर बोलते हैं, लेकिन वो भी एक सेंसर ही है और वो मशीन वो भी एक सेंसर है। तो ये था आज का एपिसोड, चलिए फिर चलते हैं और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। और आप ही बताओ कैसे बोलूं, तब आप करोगे सब्सक्राइब, कोई तरीका है आपके पास बता दो। वैसे बोल दूं, बोलना भाई है कि अगर वीडियो पसंद आ रही है, कंटेंट पसंद आ रहा है, कुछ वैल्यू एडिशन कर रहा हूं आपकी लाइफ में, यानी यहां से कुछ सीखने को मिल रहा है, तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार, वो लाल बटन दबाओ।